वीवो ने भारत में अपना वाई सीरीज का नया हैंडसेट वीवो Y51a को लॉन्च कर दिया है। यह वीवो का भारत में नया स्मार्टफोन है। कंपनी ने इस फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है, साथ ही फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 सोक प्रोसेसर देखने को मिलता है। इसके अलावा कंपनी ने फोन में 5000 mAh की बैटरी दी है जो 18 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। तो चलिए आपको इस स्मार्टफोन की कीमत, स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स के बारे में सब कुछ पूरी डिटेल्स के साथ बताते हैं। उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि ऐसी ही टेक्नोलॉजी से जुड़ी नई नई जानकारी हम आपको देते रहे। बात करें वीवो के इस नए स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन की तो वीवो Y51a स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 बेस्ड फ्रंट टच ओएस 11 सॉफ्टवेयर पर चलता है। स्मार्टफोन में 6.58 इंच की फुल एचडी प्लस एलसीडी डिस्प्ले दी गई है। इसकी स्क्रीन का रिजोल्यूशन 1080x2408 पिक्सल्स है। प्रोसेसर की बात करें तो स्मार्टफोन में मल्टीटास्किंग के लिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर दिया गया है। स्मार्टफोन की रैम 8GB जबकि इनबिल्ट स्टोरेज 128GB है। स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। कैमरा फीचर्स की बात करें तो वीवो Y51a में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है जिसका प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल एडिशनल शूटर दिया गया है। स्मार्टफोन के रियर कैमरे में आपको फोटो, वीडियो, पोर्ट्रेट मोड, पनोरमा मोड, लाइव फोटो, स्लो मोड, टाइम लैप्स प्रो, डॉक, सुपर नाइट मोड जैसे कई फीचर देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। पावर बैकअप की बात की जाए तो वीवो Y51a में कंपनी ने 5000 mAh की बैटरी दी है जो 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में ड्यूल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ वर्जन 5.0, यूएसबी टाइप सी और GPS जैसे फीचर देखने को मिलते हैं। बात करें इसके प्राइस की तो इसके 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 17,990 रुपए रखी गई है। फोन को टाइटेनियम सैफियर और क्रिस्टल सिंफनी कलर ऑप्शन के साथ खरीदा जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही टेक्नोलॉजी से जुड़ी जानकारियों से रोजाना अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।